गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के जो कि यहां पर 73 जी के क्वेश्चन हैं वो दो शिफ्ट के हैं, ठीक है। पहली शिफ्ट और दूसरी के जो 29 दिसंबर को हुए थे उनके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी इसमें 29 दिसंबर को जो भी दोनों शिफ्ट में हुए थे फर्स्ट एंड सेकंड में 35 उसके हैं और 38 सेकंड शिफ्ट के हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पहली शिफ्ट, जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन है कौन सा देश मानव विकास सूचकांक HDI 2019 में फर्स्ट रैंक पर है। तो कौन सा है नार्वे, जो कि स्विट्जरलैंड है। 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। कौन से पे 129वें स्थान पर है इसके बारे में डिटेल दी गई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्त किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का, ठीक है। इसको जल्दी से पूरा करें और सभी फ्रेंड्स को अपने इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो इसके किसने की थी? एलन ऑक्टेनहम, ठीक है, जो 28 दिसंबर 1885 में। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL के नेक्स्ट चेयरमैन जो कि 1 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे, कब करेंगे? 1 जनवरी 2021 को ये पदभार ग्रहण करेंगे। तो उनका नाम है MS सोमा मंडल, ठीक है। वर्तमान में अनिल कुमार चौधरी थे जो कि 31 दिसंबर 2020 तक हैं, लेकिन 1 जनवरी 2021 से और सोमा मंडल आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो इसमें कोशिका की खोज की थी 1665 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, मैं अब इसको जो PDF है उसको 4 ऑप्शन रखा करूँगा, उसमें एक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि आप डायरेक्टली इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्टली आंसर दे दिए, जिससे कि आपको ये लगता है कि इसमें तो आंसर दिए गए हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन भी दिया करूँगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ से देख सकते हैं जापान में नए शाही युग का नाम जो 1 मई 2019 से शुरू हुआ है, ठीक है। इसका जो रीबा युग का नाम क्या है जो 1 मई 2019 से शुरू हुआ है। इसमें क्या है कि जापान के शाही परिवार में एक नए युग की शुरुआत हुई है। यहाँ अकिहितो के राजगद्दी छोड़ने के बाद उनके बेटे नारुहितो को गद्दी संभाल ली है। अब है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सभी ऐसा है, 2018 की अलग थीम होती है, 2019 की अलग थीम होती है, 2020 की अलग थीम होगी और 21 की अलग होगी, 22 की अलग होगी। सभी हर बार इसकी थीम को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो 2018 की क्या थी थीम? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना, ठीक है, उसको कचरे में उसके बाद उसका सही प्रयोग करना प्लास्टिक का, क्योंकि उसको फेंकने से पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर, कहाँ पर है? इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर, जो कि सिक्किम में पड़ता है। यहाँ से चलते हैं, और भी इसमें दिए गए हैं माउंट K2 और POK और हाईएस्ट। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? अगला क्वेश्चन है तमिलसाई साउंडराजन, 8 सितंबर 2000
19 से वर्तमान, ठीक है, अभी चल रहे हैं। चूने के पानी का सूत्र, ये केमिस्ट्री से लिया गया है, CaOH का होल्ट वाइस, ठीक है, कभी सफिक्स में लगता है उसका ऊपर नहीं लगता, ये गलत लग गया है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर बिना हुई चूने साधारण नमक सभी का मैंने दे दिया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जैसे लाल दवा, सोरा, जिप्सम सभी का इसमें है। अगला क्वेश्चन है 11वां, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो 1989 में, कब किया गया था, 1989 में, जो एक मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। GST किस प्रकार का टैक्स है, सॉरी टैक्स है, तो GST किस प्रकार का टैक्स है, GST टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स मतलब माल, माल को आप जानते हैं, जैसे कोई भी माल हो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पितरस शरीर के किस भाग से श्रावित होता है, जो कि पितरस होता है वो कहाँ से श्रावित होता है, तो पितरस होता है जूस सेक्रेटेड पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, जो कि जिगर इक्कर द्वारा श्रावित किया जाता है और पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है, किसके द्वारा, ये लीवर के द्वारा इसको श्रावित होता है, लीवर से और पित्ताशय में संग्रहित होता है, यानी इकट्ठा होता है, ठीक है। अब अगला है कि वेयर इज द रोहर रीजन लोकेटेड, कहाँ पर है वेयर, जो कि रोहर RUHR, ठीक है, रेहर रीजन लोकेटेड, ये जर्मनी में है, कहाँ पर है, जर्मनी में, जैसे लागे वृद्धा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि फूट लॉसेस इंडस्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें आंसर क्या है कि जो कि फूट लॉसेस इंडस्ट्री प्रोडक्ट क्या है, यहाँ इसका आंसर है डायमंड्स, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चर आर सम से एग्जांपल फूट लाइट, इसमें कच्चे माल की निकटता पर निर्भर नहीं है, कहीं पर भी स्थापित हो सकते हैं। फूट लूज ये उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनकी अवस्थी पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी परिवहन लागत का असर नहीं होता। 16वां क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, ये अजमेर राजस्थान में है। HTTP की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML की क्या होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो यहाँ फ्रांस से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि 1882 में वायसराय लॉर्डन रिपन ने, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय द्वारा जारी कौशल योजना का क्या नाम है, तो वो है, उसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको 16 जुलाई 2015 से लॉन्च किया गया है। 21 जनवरी, मतलब 21वां क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है, तो यह है लोकनायक जया प्रकाश नारायण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ATL फुल फॉर्म, ATL की क्या फुल फॉर्म है, तो इसकी ATL की फॉर्म होती है अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि कंप्यूटर है वो टिंकरिंग लैब है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ग्रीन इंडिया क्लीन, ठीक है, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, मैंने इसमें कुछ छोड़ा हुआ है, पहले ऐसा था चंद्रयान 2, ठीक है, अब चंद्रयान 3 बन रहा है, जो कि अब इसमें ही अभी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। किस जो चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो GSLV Mark III M1। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया, तो किसे दिया गया था, रिनी फोगाट। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, सॉरी
पीडीएफ फास्ट चली जाती है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ड क्यों है? ये है इसका आंसर कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है कि मैं अब थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगा 10 या 12 क्वेश्चन का, जिससे कि आराम से उसे आप देख सको और आसानी से समझ सको, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। 1857 के विद्रोह पर आधारित मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरियम पेंटेड बाई जोसेफ नोएल पैटन। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है? भारत की डेक्कन क्वीन, इसकी सबसे प्रथम सुपरफास्ट है, ठीक है, ट्रेन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही यानी सबको देने वाला, तो ए बी प्लस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30वां, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? अभी एंटोनियो गटर्स, सिंस 1 जनवरी 2017 से चल रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट में है। यह अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 जो 1991 बनाया गया था, और इससे पहले एक जो विश्व का सुपर कंप्यूटर है वो CDC 6600 डिजाइन बाई सेमोर क्रे 1964 में, इसे 1964 में बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि बाघ टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 33वां क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसका कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहली बार 2015 से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2015 में 125 जयंती वर्ष इस महान योगदान के रूप में 26 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल। तो गूगल एक सर्च इंजन है जो आप सब सर्च करते हैं, लेकिन ये ब्राउजर है, क्रोम वगैरह है, मोजिला, ओपेरा, ये सभी ब्राउजर हैं। कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? शीर्ष देश, ठीक है। ये पहली शिफ्ट ख़त्म होती है, इसका एक क्वेश्चन था, अब सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होती है, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है इसका सेकंड शिफ्ट का, संविधान सभा के जनक संविधान निर्माता, तो संविधान के जब कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। और ड्रॉफिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसके बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। पाइथन क्या है? अब देखिए कंप्यूटर वालों के लिए है कि जो कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के बारे में देख सकते हैं। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आपने पढ़ा होगा PHP, जावास्क्रिप्ट, C++, गो, स्विफ्ट, PHP और कोबोल, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन मिल जाता है कि ISRO मतलब इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है 104। कितना बनाया है? 104 बनाया हुआ है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान आंसर 2.4 होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड का कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक होता है। इसके बारे में और भी देख सकते हैं, जब pH जो स्केल रेंज होती है वो 0 से 14 तक होती है, ठीक है। जीरो से चौदह तक होती है। 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो जो 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक।
अगला क्वेश्चन छठवां है कि 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किसने की, मेज़बानी किसने की थी के कोलंबिया ने 2020 में कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण की जो मेज़बानी की थी कोलंबिया ने। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता ही होगा। इंटेल i9 क्या है? इंटेल i9 तो एक डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर होता है ये, जो कि लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसका, आपको जो आंसर है SARS कौन सा देश नहीं है, इसका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यहाँ पर, ठीक है नीचे। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगला 12वां क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन सार्क, जो कि अभी मैंने उसमें बताया था SWA, यहाँ पर लिखा हुआ है सार्क SWARC, इसका सदस्य आप दे सकते हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है इसके बारे में। इसका मुख्यालय है नेपाल में, स्थापना 8 दिसंबर ढाका में हुई थी और वर्तमान महासचिव अमजद हुसैन बी सियाल है। ठीक है, इसके बाद ब्रिक्स के बारे में जान लें, ब्रिक्स के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसके बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, और स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें जो आगे जानकारी है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ब्रिक्स के बारे में। इसके बाद है आसियान के बारे में, आप यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ छोटा, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप यहाँ से आगे मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इतना ही है। सचिवालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, यहाँ से जो कि सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और CS आसियाना। ठीक है, 9वां क्वेश्चन मिलता है आपको कि 2016 में हुए विमुद्रीकरण के वक्त RBI गवर्नर कौन थे, तब कौन था? उर्जित पटेल थे। ठीक है, जब 2016 में आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे से जो नोट को बंद किया गया था वो आपको पता होगा, यहाँ देख सकते हैं बुध का 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, जो कि वर्तमान अभी शक्तिकांता दास। इसके बाद पहले रघुराम जी राजन थे, जब पहले बंद हुए थे तब, तो उससे पहले जब बंद हो गए थे तब उर्जित पटेल हो चुके थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जया देवा। इसके बाद इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप यहाँ पर दिया जा रहा है कि अर्थशास्त्र चाणक्य, इसमें सभी की इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, यहाँ से दे सकते हैं 11 जातक कथाएं। जातक कथाएं कैसे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैंने बता दिया। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? 12वां क्वेश्चन है, दे सकते हैं यहां से मुख्यालय है हेडक्वार्टर ऑफ पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। महानिदेशक ऑस्ट्रो और जोले सदस्य देश 193। भारत 1946 में से यूनेस्को का सदस्य देश है। भारत की राजधानी दिल्ली, तो चीन की राजधानी बताइए, इसकी जो राजधानी है बीजिंग, चीन की बीजिंग है। 14वां क्वेश्चन आपको मिलता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में, 1946 में आया था। अब देखिए ASCII की फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि 2020 IPL किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस 5वीं बार जीत चुका है। ठीक है, इसके बाद 13वां IPL 2020 कौन संस्करण है? Dream 11। IPL टाइटल स्पॉन्सर कौन है? Dream 11। इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन, ड्रीम इलेवन एक ऐप लॉन्च किया गया है जिस पे आप टीम लगाकर पैसे भी कमा सकते हैं, आज शायद आप खेलते होंगे। IPL 3rd स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद, 4th स्थान पर रॉयल चैलेंज बेंगलुरु,
और फर्स्ट विजेता है मुंबई इंडियंस MIBC। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में नदी गिरने वाली है ताप्ती। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। 18वां क्वेश्चन है, कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसद, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उसका जो डिप्टी स्पीकर होता है उनकी जो कमांड संभालता है। ठीक है, कमान। 20वां क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर अध्यक्षता थी जो कि 40वां थे 1924 में बेलगांव, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किस में? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लाहौर 1937 फैजपुर में। भारत में कुल कितनी हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 21वां क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, इंडिया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कहाँ कहाँ पर हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जो कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? 22वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के कक्षाओं के लिए है। तो समग्र शिक्षा अभियान प्री स्कूल से, यानी स्टार्टिंग से लेकर कक्षा 12 तक की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है। अब है 23वां क्वेश्चन। कौन सा? 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टूनल, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर है कि चेनानी नासी सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है रेल सुरंग सबसे बड़ी, पंजल रेलवे टनल। ठीक है, जो 11 किलोमीटर की है, अटल सुरंग बोलते हैं। होगा यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहन दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। ठीक है, ये बनाई जा रही है, अभी कोई बनी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ से देख सकते हैं कि 24वां क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये जल विवाद हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, जो कि 4 राज्य हैं, इनके बीच में ये इसका जो कि कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा होता है? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन ए बी सी डी ई एफ नहीं होती, के बी जो भी होता है इसका, जैसे विटामिन B7 से लगवा शरीर में दर्द हो जाता है। 26वां क्वेश्चन है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसका आंसर है कि नैनीताल, पौरी, गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। इस उत्तराखंड में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट पहल के तहत आने वाला यह पार्क था। अगला क्वेश्चन है 27वां, 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला है, किसे मिला है? ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला है, जैसे कि भारत रत्न नहीं मिला है और किसे मिला है? भूपेन हजारिका को मिला है। ठीक है, और यहाँ पर प्रणब मुखर्जी एन इनको नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद री गोपाल चौरी देखते हैं कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, मैं लिख दिया है यहाँ पर देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि इब्तुनुबुता कहाँ का नागरिक था? तो इब्तुनुबुता मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का। मोहन बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखा है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन है आपके सामने कि जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड बुखार बोलते हैं वही।
30 में उनमें से कौन सी इनमें से कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है? तो इसमें आंसर दिया गया है कि सन टेंपल कोणार्क, यानी जो सूर्य मंदिर रखे है ना कोणार्क में, उसको हेरिटेज साइट नहीं है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है कि मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? अपसारी और अवतल लेंस, अपसारी और अवतल लेंस। 31वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलेनसारो, ठीक है, जेयर बोलेनसारो, ठीक है, मुख्य अतिथि थे, जो कि 26 जनवरी 2021 में आए थे, लेकिन अभी जो आए थे वो जापान के सिंजो जी सिंजो अभी आए हुए थे, ठीक है, 2021 में। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। तेजस भी आपने सुना होगा, हाई फाई फाइटर एयरक्राफ्ट है। ब्रायोफाइट, बरक का पौधा, मोसेस, आर्मवेट और लेबर वर्ड आदि। जादू घोड़ा की खाने किस खनिज क्षेत्र प्रचलित हैं? तो जादू घोड़ा की कहानी यूरेनियम की खानों के लिए मशहूर है, यानी इनमें जादू घोड़ा की खाने उनमें यूरेनियम निकलता है। 36वां कौन है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक गलबदन बेगम, डॉटर ऑफ बाबर, ठीक है। GST फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो मैंने पहले बताया था जो माल पे लगता है, अभी जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया था आपको। इसके बाद 38वां क्वेश्चन आपको मिलता है, 29वां मैं आपको पूछने वाला हूँ, ठीक है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बताइए। अगर श्रेणी क्रम में निकलेगा तो 1 निकलेगा, क्योंकि 1/4 करेंगे तो 4/4 हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन अगर आप समानता श्रेणी में करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाते हैं, ठीक है। 4+4 4 बार जोड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 29वां, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है। 30 दिसंबर को जो भी मैं इसका बनाऊंगा वीडियो उसमें आपको ये इसका आंसर मैं बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसरो इतने बेचने के लिए कहां पर एक नई यूनिट खोली है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सभी को आप लाइक और फॉलो कर लें, और ट्विटर पेज को भी आप फॉलो करना होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें, कोई टेंशन हो तो मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।